हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको नई दुल्हन की ससुराल में संकटा माता की पहली पूजा दिखाएंगे कि नई बहू ने किस तरह से पूजा की। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये लड्डू बन रहे हैं। संकटा माता की पूजा होने जा रही है, तो पूजा के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। संकटा माता की पूजा की मैंने कई वीडियो आपको दी है और पूजा की विधि भी मैंने आपको बताई है हर वीडियो में। तो यहाँ पर भी हम आपको पूरा दिखाएंगे कि पूजा किस प्रकार से होती है। तो लड्डू आप लोग देख सकते हैं, 18 लड्डू बनाए जाते हैं माता जी के प्रसाद में, 18 लड्डू चढ़ते हैं। तो ये चावल के लड्डू हैं जो कि बन गए हैं, बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें दो कन्या भी रहती हैं जो कि सुहागन, जो महिलाएं होती हैं, 14 महिलाएं होती हैं सुहागन, और दो कन्या होती हैं और दो विधवा महिलाएं होती हैं। तो ये पूजा हर किसी के घर में होती है। शादी के बाद सभी लोग ये पूजा करवाते हैं। किसी की बेटा या बेटी की शादी होती है तो ये पूजा ज़रूर कराई जाती है। तो संकटा माता की पूजा शुरू होने वाली है, तो पहले पाटे के ऊपर संकटा माता की प्रतिमा बनाई जाती है घी से। तो ये हम प्रतिमा बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि 7 प्रतिमा बनाई जाती हैं। और नई बहू किस तरह से पूजा करेगी हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो ये जो तैयारी है पूरी हो चुकी है और सारी महिलाएं आ चुकी हैं। तो एक एक करके सारी महिलाएं अभी पैरों में रंग लगाएंगी, क्योंकि अभी पैरों में रंग नहीं लगा है। इस पूजा में सबसे पहले महिलाएं जो भी आती हैं वो रंग लगाती हैं। सारी तैयारी होने के बाद फिर पूजा होती है, तो रंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं और पूजा के लिए जो दिया बाती होता है वो सारा कार्यक्रम चल रहा है, सारी तैयारी की जा रही है। सारी तैयारी होने के बाद ही पूजा स्टार्ट होगी। तो अभी पहले महिलाएं जो आई हैं वो सारी अपने पैरों में आलता लगाएंगी, रंग लगाएंगी, और उसके बाद आगे की पूजा स्टार्ट होगी। तो ये दोनों हैं, दोनों में प्रसाद रखा जाएगा क्योंकि ये चावल के लड्डू हैं। और अगर हम इसको कागज़ पे रखते हैं या डायरेक्ट कपड़े पे रखते हैं तो इससे कपड़े में मीठा लग जाता है, तो इसलिए दोने में रखा जाएगा। ये पत्ते हैं, पत्ते वाले दोने हैं, तो पूजा में यही शुभ माने जाते हैं, इसलिए पत्ते वाले दोने मंगाए गए हैं। और इसी में लड्डू रख दिए जाएंगे। एक एक लड्डू हर महिला को दिए जाते हैं। दो जो कन्याएं होंगी उनको भी लड्डू दिए जाएंगे। तो अब सारी महिलाएं रंग लगाएंगी। अभी दुल्हन के पैरों में भी रंग नहीं लगा है, जो नई बहू हैं उनके पैरों में भी रंग नहीं लगा है, तो उनके पैरों में भी रंग लगेगा। तो जो कन्याएं होंगी, दो कन्या हैं, तो उनके पैरों में भी रंग लगाना ज़रूरी होता है। तो बिटिया के रंग हम लगा देंगे और उसके बाद आगे दुल्हन को भी हम रंग लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं आई हैं तो रंग लगा रही हैं। सारी महिलाएं आती हैं तो पहले रंग लगाएंगी और उसके बाद पूजा में बैठेंगी। इस पूजा में एक बार बैठ जाने के बाद उठा नहीं जाता है। जब तक पूजा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कोई नहीं उठता है। तो ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हर किसी के घर में ये पूजा होती है। तो हमारी चाची के यहाँ भी शादी हुई है बेटे की, तो इसीलिए वो संकटा माता की पूजा रखवाई हैं। कल उन्होंने अवसान मैया की पूजा की थी, वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दे पाई हूँ। तो ये संकटा माता की पूजा है, तो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि दुल्हन के पैरों में रंग लग चुका है और सारी महिलाएं बैठ गई हैं। अब पूजा स्टार्ट होगी। तो ये कुछ इस तरह से पाटे को सजाया जाता है, पूरा प्रसाद रख दिया जाता है पाटे के पास और उसके बाद ही ये पूजा स्टार्ट होती है। घट बनाया जाता है और अब ये पूजा स्टार्ट करेंगी। तो आप लोग इनकी पूजा देखिए कि ये कैसे पूजा कर रही हैं।
तो नई बहू की पूजा हो चुकी है और इनके पूजा करने के बाद जो भी महिलाएं और आई हुई हैं वो सारी एक-एक करके इसी तरह से माता रानी की पूजा करेंगी और सिंदूर चढ़ाएंगी। जैसे नई बहू की पूजा आप लोगों ने देखी उसी विधि से हर कोई पूजा करेगा। तो ये पूजा बहुत अच्छी होती है और मनोकामनाएं भी पूरी करती है दोस्तों। इस पूजा में कहानी भी कही जाती है। कहानी का वीडियो मैंने बनाया है इससे पहले, तो यहाँ पर हम आपको वीडियो नहीं दे रहे हैं। कहानी हमने काट दी है क्योंकि कहानी अगर हम आपको देते तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर कहानी स्किप कर दी है। और कहानी सुनने के बाद सभी महिलाएं प्रसाद खाएंगी। तो अभी तो पूजा ही चल रही है, पूजा में अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 18 महिलाएं हैं तो एक एक करके सारी पूजा करेंगी, तो काफ़ी टाइम लग गया था। ऐसे ही वीडियो हमारी बड़ी हो गई थी, और अगर हम आपको कहानी का वीडियो देते तो बहुत लंबी वीडियो बनती, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसी क्रम से सभी महिलाएं पूजा करेंगी एक एक करके। पूजा करने के बाद सभी महिलाएं कहानी सुनेंगी, कहानी सुनने के बाद प्रसाद खाएंगी। जो प्रसाद यहाँ पर दिया गया है वही प्रसाद खाया जाएगा, और खाने के बाद सारी महिलाएं फिर से दोबारा से अपने हाथ धुल करके अपनी मांग में सिंदूर लेंगी। इसी तरह से ये पूजा होती है। तो सबसे पहले कथा होती है, कथा होने के बाद माता जी की आरती भी होती है। आरती का वीडियो भी मैंने नहीं दिया है आप लोगों को, वो हम अगली वीडियो में आपको कहानी का वीडियो दे देंगे। तो सभी महिलाएं प्रसाद खा चुकी हैं, हाथ धो चुकी हैं, और धोने के बाद हाथ अपनी मांग में सिंदूर लेंगी, फिर से दोबारा गौरी माता में सिंदूर चढ़ाएंगी। तो ये पूजा इसी तरह से होती है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संकटा माता की पूजा किस प्रकार से होती है, क्योंकि मैंने नई बहू की पूजा बहुत ही डिटेल में आपको दिखा दी है और बहुत ही स्लो मोशन में मैंने पूजा दिखाई है दोस्तों। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो हमारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। संकटा माता आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ हम चलते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।